नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शामगढ़ तहसील अध्यक्ष आशीष सांठला एवं विपिन शर्मा द्वारा मुंडन करवाया गया। गणपति बप्पा को केश समर्पित कर अपनी मांगों के निराकरण के लिए प्रार्थना करते हुए सीतामऊ तहसील ने बताया कि प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पटवारी अपनी पे ग्रेड सहित अन्य मांगों को लेकर 9 दिवस से हड़ताल पर हैं। 9 दिवस की हड़ताल से पूर्व पटवारी द्वारा 3 दिवस के सामूहिक अवकाश लेकर अधिकारी को ज्ञापन देकर सरकार को अवगत कराया गया, लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, उसी को देखते हुए प्रदेश के सभी पटवारी द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लेकर 28 अगस्त से हड़ताल पर हैं, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसको देखते हुए प्रदेश पटवारी संघ जिला स्तर पर पटवारी संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आज मंदसौर पटवारी संघ की हड़ताल के दौरान तहसील श्यामगढ़ पटवारी संघ के तहसील अध्यक्ष आशीष सांखला और श्यामगढ़ के पदस्थ पटवारी विपिन शर्मा द्वारा गणपति बप्पा को केश समर्पित कर पटवारी संघ की वैध मांगों के निराकरण के लिए प्रार्थना की गई और मुंडन संस्कार से पहले पटवारी अंतिम बाला भार्गव द्वारा पटवारी संघ अध्यक्ष को तिलक लगाया गया और नाहरगढ़ पटवारी विनोद पांडे द्वारा मंत्र पढ़कर मुंडन संस्कार करवाया गया। और पटवारियों के द्वारा इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, फिर भी सरकार द्वारा प्रदेश के पटवारियों की मांगों के ऊपर कोई निर्णय मंथन नहीं किया जा रहा है। इससे लगातार पटवारी हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश के सभी किसानों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।